सहरसा में बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला किसान सभा एक मजदूर यूनियन के तत्वाधान में शंकर चौक से बेदखली विरोधी मार्च निकालकर सहरसा समरणालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भू माफिया और सामंतों के खिलाफ सड़क पर उतरे, इसका नेतृत्व CPIM के विनोद झा ने किया। इसके ऊपर में भू माफिया के द्वारा सामंतों के द्वारा बड़ा हमला हो रहा है। प्रशासन का काम था उनका सुरक्षा देना, लेकिन आज प्रशासन भी उस भू माफिया से मिला हुआ है और जिले में और पूरे प्रदेश के अंतर्गत जो गरीब पर्चाधारी जिसको सरकार ने पर्चा दिया उसको पर्चा वाली जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सरकार बेदखली विरोधी अभियान का घोषणा किया, लेकिन कहीं पर भी आज उनको दखल नहीं दिलाया जा रहा। अतिक्रमण के नाम पर हाईकोर्ट के आदेश के आर में जो लाखों लाख गरीब हैं, सड़क के किनारे बसे हुए, नहर के किनारे बसे हुए, बांध के किनारे बसे हुए, जिनके पास में रहने के लिए कोई जमीन नहीं, सरकार ने बसेरा अभियान का घोषणा किया लेकिन उनको बास के लिए जमीन नहीं दिया जा रहा। आज बड़े बड़े भू माफिया और भूस्वामी जो सरकारी जमीन है, गुदान की जमीन है, सीलिंग की जमीन है, वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। उनसे मुक्त करा करके सरकार को गरीबों के बीच में जो बांटना चाहिए वो काम सरकार नहीं कर रही। ये 12 सूत्री मांग को लेकर के पूरे बिहार के अंतर्गत हमारा बेदखली विरोधी मार्च है, किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन के द्वारा ये आयोजित है। जी आज आप लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग आए हुए हैं जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए, जो आप बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाओ, भूमिहीनों को बास की जमीन दो, सरकार ने जो राहत राशि का घोषणा किया सूखा पीड़ितों के लिए उनके खाते में आप उनको जल्द से जल्द भेजो, रवि फसल के लिए उनके लिए सिंचाई का प्रबंध, खाद बीज अनुदानित दर पर मुहैया हो, ये मांग को लेकर के हम आए हैं। सरकार और प्रशासन अगर उनको कानूनी तरीके से दखल नहीं दिलाया तो हम ये कहने के लिए आए हैं जो हम गरीबों को लेकर के उनकी पर्चा वाली जमीन पर दखल दिलाने के लिए जाएंगे अगर वहां पर कोई भी घटना होगी, इसके लिए प्रशासन जवाब दे। विनोद कुमार, महामंत्री, बिहार राज्य किसान सभा, बिहार।